मैं मार देगा भगत, मैं मार मारे हम बिठवा दे रहा हूँ ना, मैं भगत कड़ी कड़ी बिठवा रही हूँ मुझे। भाईजन छोड़ दो इन, भाईजन ये मेरे मिया हैं, दी भी हूँ मैं इनकी। मैं मार देगा भगत। ये तो कह रहा था कि मेरी कुछ नहीं लगती। भाईजन इन्होंने गुस्से में कह दिया था, हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी। जाओ तो फिर अपने अपने घर को जाओ। ठीक है जल्दी घर चल। हाँ चलो चल चल, अम्मी से कह दूंगा मैं लाया हूँ मना कर, तो चिंता मत मार। अब अम्मी से मैं कह दूंगा मैं लाया हूँ मना कर। अरे आ गई लौट के ऊंची नाक वाली, अब ना कटी तेरी नाक। हमारा तो सारा खानदानी खराब है, अब क्यों आई? मैं ना आने वाली थी, वो तो तुम्हारा लौंडा ले आया मुझे मना के। अरे हम तो सोच रहे थे कटीरा तू मना के लाया इसे। ओए मुझे झूठ बोलना है? मैं की मना के लाता? झूठ बोल रही है साले। हैं? अपना भाई अम्मी, मैं नहीं लाया इसे मना के। क्या? और वो तुम्हें उन आदमियों ने नहीं पीटा था? वो तो तुम पे तरस खा के आ गई मैं। हैं? बड़ी तरस खाने वाली बन रही है। रोटी पका ले, अम्मी भी खाएंगी अब्बू भी खाएंगे। अब्बू की तो टाल करो बेटा, अब्बू की सेवा की जरूरत ना, बहुत सेवा हो रही अब्बू की तो। अब्बू कहाँ चल दिया? मुझे जाना पंचायत में, रामफल के यहाँ चोरी हो गई। इतने तुम रोटी सोटी बनाओ और मैं पंचायत में होके अभी आ रहा हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ, मैं ही पंचायत में चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। पंचायत में चल मेरे साथ, लेकिन वहाँ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दियो। मैं भी बोलूंगा उल्टा सीधा। चलो लिख लो, चलो अंदर चल, अंदर चल। प्रधान जी चोर तो मैंने देखा नहीं, जैसा करो वैसा कर लो, मैं तो पंचायत के साथ। हाँ भाई तुम बोलो यागो, चोर तो हम में से एक है और जो सच बोलेगा। हाँ भाई नहीं तुम बता, जो सच बोलेगा ना उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। तू बोल भाई यू, मैं अब भी कह रहा हूँ जो सच बोलेगा उसे कुछ नहीं कहा जाने का। और जी क्या कहते रहे हैं, फिर बात देखो बात बिगड़ेगी बात खराब होगी, इसलिए सच ही सच बोल दो। हाँ भाई शेख चुल्ली तू बोल। अगर मैं झूठ नहीं बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ, अब्बू का नाम ले देता हूँ। हाँ सुना पंचो, चोरी मेरे अब्बू ने की है, अब्बू चोर है। अबे क्या कह रहा है तू, पिटवाएगा? जलालुद्दीन क्या शेख चुल्ली ठीक कह रहा है? जी प्रधान जी इसकी बात तो मैं ना हूँ, ये तो पागल है। अबे क्या कह रहा है तू, पिटवाएगा? अगर झूठ नहीं बोला तो अम्मी मर जाएगी, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। हाँ पिटवाएगा, जब नहीं सोची, जब कल चुरा कर ले गया माल, चोरी का माल लेगा, जब नहीं सोची कल भी पिटाई भी हो सके पंचायत में। हाँ मेरा अब्बू चोर है मेरा अब्बू, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा अब्बू ने माल चुराया। बोल तो रहा हूँ प्रधान जी, चलो शास्त्र ले लो। ये बहुत बड़ी कमी की बात है तुम्हारी, गांव के गांव में चोरी कर रहे, शर्म नहीं आती? अबे कमा के खाया करो, कमा के खाया करो, तुमने हंगामा खड़ा कर रखा है। अरे प्रधान जी मेरा यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की, नहीं की। यकीन कैसे कर ले जब तेरा बेटा ही कह रहा? प्रधान जी वो तो पागल है, हमने चोरी नहीं करी। अगर पागल होता तो भाग क्यों जाता? प्रधान जी मेरा सामान दिलवा दो, अन्नी मैं तो पुलिस में जा रहा हूँ। हाँ तो आप बता दो सामान कहाँ है। भाइयों भाई यकीन करो, सामान हमारे पास नहीं है, नहीं है। या तो इस राम फल का माल दे दे, और नहीं तो पुलिस आ जाएगी, और पुलिस जी तेरा पिछोड़ा लाल कर देगी, नहीं अपने आप काट देगा माल। समझ गया? उस शेख के बच्चे ऊपर के लाओ, और ये 3 दिन बंद रखो, और नहीं बता रहे तो पुलिस को दे दो। ठीक है प्रधान जी।
रोजाना अम्मी मैं रोजाना मैं कहाँ घुस रही है? आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? मैं रोटी पक गई, मुझे भूख लग रही है। कहाँ से पक गई रोटी? और हाँ, पंचायत का क्या हुआ, फैसला हुआ कि नहीं? बेटे अब्बू का रिमांड ले रहे हो, चुप रहिए बेटा से कुछ चुप रहने में फायदा। अरे बोलता क्यों ना है, क्या हुआ? रामफल का चोर मिला ना मिला? उसका सामान मिला नहीं मिला? अम्मी चोर तो मिल गए मगर पंचायत में फैसला हो रहा। या अल्लाह, उस रामफल का सामान मिल जाना चाहिए। रुक जा ना, कुछ खाने पीने को दे दे, मैं अंदर जा खाऊंगा। अगर कोई आए ना नुगा सेक्सीली का, तो नुगा देना सेक्सीली घर में नहीं है। अरे क्यों? हाँ तुम्हें सारी बात बताओ, तुम्हें पता नहीं है अम्मी? अगर भी आगे साले मुझे पीटने पड़ेंगे और 3 दिन तक मारूंगा। अब्बू को तो लेगा 3 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे, पता नहीं साले कब छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम अंदर जाओ। हाँ तुम अंदर जाओ। थीक, थीक, थीक। जकिले, जकिले भागकर। भाईजान वो तो पंचायत में गए हैं, अभी आए नहीं है। चलो चाबी मिला वही काटूंगा सारे। चल जरा अम्मी, चले गए वे लोग? हाँ चले गए। क्या ड्रामा है ये? शेख जी वो छत पे कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें बता रही है, मैं छत पे बोलते जंगल में भाग जाऊंगा, कभी साले पैर कहाँ जाए। या अल्लाह, इनकी खोपड़ी में क्या खिचड़ी पकती रहती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं तो चल के अपना काम करूँ। चलो अम्मी। चल बेटी चल। हाँ आया साला, मैं साला मुझे फंसवाने के चक्कर में पागल मान रहे साले, मैं साला मुझे पागल मान रहे। शेख चिल्ली कहाँ भाग रहे हो? मैं कौन है, अब क्या पता? मैं हूँ तेरा शुभ चिंतक। देखो शुभ चिंतक जी, मैंने आपकी बात मानी, तुम्हारी बात मानने के चक्कर में मेरे परिवार ने बहुत कष्ट झेले, बहुत दुख झेले, परंतु मैंने सच नहीं बोला। तुमने बहुत अच्छा किया, मगर आज का दिन तुम्हारे लिए और खतरनाक है। जब मैंने इतना कष्ट झेल लिया, इतनी तकलीफ झेल ली, तो उसे भी बताओ। तो सुनो, अगर आज तुम झूठ बोले तो तुम्हारे अब्बू मर जाएंगे। अब्बू मर जाएंगे? हाँ, आज के बाद तुम्हें सच बोलना है, वरना तुम्हारे अब्बू गए। क्या मैं ये क्या कह रहा शुभ चिंतक जी? नए नए लफड़ों में रोज फांसते हो मुझे तुम। खामोश, हम तुम्हें नए नए लफड़ों में नहीं फांस रहे, हम तेरे परिवार को बचा रहे हैं। आज शाम तक तुझे सच बोलना है, वरना तेरे अब्बू मर जाएंगे। ठीक है, अब मैं सच बोलूंगा, मगर अपने अब्बू को नहीं मरने दूंगा, बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। अच्छा शुभ चिंतक जी, अब मैं चलता हूँ, सलाम वालेकुम। अब्बू मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सच बोलने के लिए आ रहा हूँ। झूठ बोलने में मम्मी नहीं मरने दी, और सच बोलने में तुझे नहीं मरने दू। आ लिया यार, गांव में इस टाइम कोई भी आदमी नहीं, सब गए हैं बाहर, और लड़का भी हमारा ड्यूटी पे गया है। और लो अल्लाह का नाम और काम शुरू करो। देखो जी, हम तो काम शुरू कर देंगे अगर आपको एतराज ना हो। ना जी, हमें कोई एतराज नहीं, आप शुरू कर दो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आ गया सेक्स चुल्ली भी, पढ़ो बिस्मिल्लाह, करो काम शुरू। काम शुरू? वाह कैसा काम शुरू कर रही हो? ये फैसल के रिश्ते वाले आए हैं, कह रहे लड़का दिखाओ। मैं कह रहा लड़का बिल्कुल सही है, देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टन लड़का, काम शुरू करो। मुल्ला जी लड़का तो सही है ना, तेरी गारंटी, अगर कुछ कल गड़बड़ होगी तजे तेरी बख्शीश नहीं। फैसल का रिश्ता? ओ मेरे तो साला बड़ा बदतमीज, अंधा काना लंगड़ा लूला साला, झूठ बोल रहे साले, इसलिए मुझे तो सच बोलना, मुझे तो अपना अब्बू बचाना। क्या सोच रहे हो मुल्ला जी? अब कुछ नहीं। अच्छा वो फैसल का रिश्ते की बात है, वैसे लड़का बहुत सुंदर है, तोतला जी बोलता। हाँ जिसे मिर्गी सीटती है, बता दी चेचक में आँख खराब हो गई थी, दारू पीगा परसों गोबर में पड़ा था, वैसे नाली में मुंह निकल रहा उसका, वैसे लड़का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। इतने कमीने आदमी अपने नहीं दिखे, तो मुंडा जी ने उससे अब तो लुक जाते हैं, अपनी लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। चलो खड़े हो लो, पर मुंह लुटी रहे नहीं जाते, लुट लिए थे निकड़ो बस अंत है। चल रहा था ऐसे, इन कमीने में फंदा पड़ गया। चलो चलो चलो।
ठीक है निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठूंगा। ठीक है, मैंने सही नहीं कहा अपराध भाई। सत्तर कभी गाड़ के लड़के में तूने सही कहा, रिश्ता छुड़वा दे, मारा करवा देना। तो मैं मारा करवा दे, मैं तुम्हें तो करे बता रहा था, क्यों कूट रहे तारा तारा, मैं किसी की लौंडिया को ऐसे ही सड़ा हुआ लौंडा देते, मैं मार दे, मैं मार दे, मैं मर गया। सारे कम का सारे मैं सारे झूठ बोल रहे थे, झूठ बुलवा रहे थे, एक्चुअली था मैं झूठ बोलने वाला नहीं आज तो। हाँ ताले ईद के दिल में रहेगा, ताले कम का लोग मुझे मारा, ताले सच बोलने पे भी। शेख जी चुप रहूंगा बस। अरे कब से आवाज दे रही हो, आप सुनते क्यों नहीं हो? शेख जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कम बकस मैं क्या बोलूं, मैं मुझे तो चुप रहने में फायदा। वो क्यों? वो इसलिए क्या मुझे सारे लोग झूठ बोलने में मारते थे और अब सच बोलने में भी मारते हैं, अभी भी पिटका रहा हूँ, देख मेरी शिकल। शेख जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, शेख जी मेरे पति को छुड़ा दो। मैं कैसे छुड़वा दूँ तेरे पति को? वो कह रहे हैं अगर शेख जी नहीं कहेगा तो हम छोड़ देंगे उसे, क्योंकि शेख जी ही गवाह है। एक बार चल के उन्हें बोल दो ना प्लीज। हाँ इंग्लिश हार रही है, इंग्लिश में बात कर रही है। शेख जी प्लीज एक बार चलो, चलो ना शेख जी प्लीज। अबे हाँ शेख जी दादा बहुत बुरा कहा, डॉक्टर को फंसवा के असली चोर तो साला वो है, खोके के पीछे बता रहा एड्रेस, डॉक्टर को छुड़वा देता हूँ। क्या सोच रहे हैं शेख जी, चलिए ना प्लीज एक बार चलिए। हाँ 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 चल 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 चल। हाँ भाई आप बता कहाँ कहाँ करी तेने चोरी? साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बता रहा काम चोरी का, डॉक्टर बता रहा है? साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। फिर डॉक्टर बता कहाँ कहाँ करी चोरी? साहब मैं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बता रहा ढंग में बता रहा कहाँ करी चोरी?